नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरमेंट के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज द फन दी हेड पढ़ते हैं। क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स के लिए है और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तब भी काम आएगा आपका ये। तो चलिए द फन दी हेड लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, द फन दी हेड नाम से क्लियर है कि वो मजे जो वो लोग किया करते थे या जो वो मजे जो उन्होंने किए थे अपने बचपन में, ठीक है, अपने दिनों में। तो कहीं ना कहीं बात अगर आप कहोगे तो निकल के आ रही है कि एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है जहां पे फ्यूचरिस्टिक स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स हैं जो पीछे के लोगों की बातें कर रहे हैं कि उनके ही दिन बढ़िया थे। जैसे अगर मैं आज की बात करूं, आज 2023 है आपका, ठीक है, और 2023 में हम पीछे की बातें करते हैं, अपनी हिस्ट्री उठा के देखते हैं, कहते हैं अरे ये इनका ही सही था, पढ़ना लिखना तो होता नहीं था, जाके युद्ध कर रहे थे, ठीक है। तो वैसे एक बहुत फ्यूचर की स्टोरी है, ठीक है, और वहां से वहां के बच्चे फिर देखते हैं कि अभी की स्कूलिंग कैसी थी, ठीक है, मतलब पास्ट की स्कूलिंग कैसी थी। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर है मार्गी, आपको पता चलेगा अभी जब हम पढ़ेंगे तो मार्गी के दादा वो कहते हैं कि हम स्कूल जाया करते थे, हमारे स्कूल में टीचर हुआ करते थे। लेकिन अब मार्गी जब कंपेयर करती है अपने आप से तो वो देखती है मेरा टीचर तो एक रोबोटिक टीचर है, उसमें मशीन में कुछ फिट कर दिया गया, वो टेस्ट देता रहता है, टेस्ट में सॉल्व करती रहती हूँ, सबमिट करती हूँ, मार्क्स भी देता है, तो यही करता है। स्कूल तो जाना होता नहीं है, जस्ट बेडरूम के बगल में ही मेरा स्कूल है, ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम चलती है मेरी, सारा कुछ कंप्यूटर पे हो गया, टेक्स्ट में कंप्यूटर पे पढ़ पाता हूँ। 2023 की मैं बात करूं तो आप यही कर रहे हो, अभी आप कंप्यूटर स्क्रीन पे ही पढ़ रहे हो इसको, जो मेरी वीडियोस देख रहे हो आप, मैं नहीं हूं आपके सामने बट फिर भी आप पढ़ पा रहे हो। तो ये पास्ट की अगर मैं बात करूं 1900 समथिंग की या 1800 या उससे और पीछे की, तभी अगर किसी को बताते कि ऐसा संभव है, वो हो सकता था या हो सकता है, वो नहीं मानता कि ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, ये तो कहानियों में पॉसिबल है। तो दोस्तों, जो भी हम कहानियों में पॉसिबल बताते हैं वो चीज हो रही है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लिखी गई है, मैं राइटर्स का नाम जो है आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन पढ़ना स्टोरी को। अब तो बस इसी बारे में है स्टोरी और ऐसे ही फिर खत्म भी हो जाएगी धीरे धीरे। तीन करेक्टर्स आपको जो है ध्यान में रखने हैं, मार्गी, टॉमी उसकी मम्मी, और एक रोबोटिक टीचर, और इसको ठीक करने वाला एक काउंटी इंस्पेक्टर। ये तीन चार करेक्टर्स है, ठीक है, मेन तो टॉमी और आपका मार्गी ही है। मार्गी थोड़ी सी छोटी उम्र में और टॉमी जो है वो थोड़ा सा उम्र में बड़ा है, 2 साल इससे, 11 की है वो, और वो टॉमी जो है 13 साल का है। और टॉमी को एक बुक मिलती है। अब बुक का विषय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, बिकॉज समझ के देखिए कि उनको बुक मिली है, क्योंकि उनके बुक तो ऐसे ऑनलाइन ऐसे बुक्स थे, तो अब इनको बुक मिली है तो उस पे डिबेट क्या मतलब टॉपिक स्टार्ट होता है इनका बात करने का। अरे ये बुक, ये क्रिंकी से पेजेस हो गए हैं इसके, पुराना हो गया है, बिल्कुल पीले कलर के पेजेस, हम तो ऐसा नहीं पढ़ते। यहीं से बात स्टार्ट होती है इन दोनों की और फिर जो है कहानी फिर आगे एंड भी हो जाती है इस तरीके से। तो ये थी शॉर्ट समरी। अगर आपको इतना ही देखना था इस वाले वीडियो को तो आप इतना देख के जो है इस वीडियो को एंड कर सकते हो। बाकी मैं अब लाइन टू लाइन पढ़ाने वाला हूँ, तो जिनको लाइन टू लाइन इंटरेस्टेड जो भी हैं देखने को तो वो आगे आ सकते हैं, सीधी सी बात है, आगे देख सकते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पैराग्राफ 10 पैराग्राफ में डिवाइडेड है। फर्स्ट, मार्गी इवन रोट दैट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, ये डायरी लिखती थी मार्गी, ऑन द पेज हेडेड 17th of May 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक। तो डायरी में लिखती है 17 मई 2157 की बात है। देखो अभी चल रहा है 2023, ठीक है, ये 2157 की बात है, सोच के देखो कितनी फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है ये वाली, ठीक है। तो इनको मिली है एक रियल बुक, किनको, टॉमी को। तो ये लिखती है मार्गी की टॉमी को एक रियल किताब मिली है। अब कैसी किताब है चलो देखते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। अब आप कहोगे कि मार्गी कह रही है कि जो इनके दादाजी थे वो ये बताते थे कि जो उनके टाइम पे जो पेपर्स होते थे, पेपर पे लिखे हुए प्रिंटेड करे हुए किताब मिलते थे। अब ये मार्गी के लिए एक यूनिक बात इसलिए है बिकॉज इनको किताबें तो ऑनलाइन ही मिलती है, कोई पेपर नहीं, सारा कुछ लिखा आता है टेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है इनको, इसलिए इनके लिए अजीब बात है ये, ठीक है। आज की अगर हम बात करें तो किताबें तो हैं हमारे पास, लेकिन और फ्यूचरिस्टिक अगर हम हो जाए तो धीरे धीरे आप देखोगे कि प्रिंटेड पेपर्स जो है गायब हो जाएंगे, तो इसीलिए यूनिक बात लगी मार्गी को ये। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये एक्स्ट्रा डल गया है पे। चलो दे टर्न द पेजेस, अब ये पेजेस को पलटते हैं,
विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि येलो और क्रिंकली मतलब होता है सिलवटी पड़ जाना, जैसे आप प्रेस की हुई शर्ट को पहन के अगर सो जाओ रात भर और फिर जब जागो तो कैसे सिलवटी पड़ जाएंगी इधर उधर, तो वैसे हो चुके थे पेजेस में भी। ऑफुली फनी टू रीड, और जितने भी वर्ड्स थे उनको पढ़ना काफी अजीब सा था, पहली बार देख रहे थे तो भया, वैसे ऑफुल का मतलब होता है भयानक, लेकिन भयानक नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में लेके चलूं जहाँ पे टेक्स्ट बुक नहीं है, बस हाथों से स्क्रॉल कर देते हो टेक्स्ट बदल जाता है, तो वैसा कुछ आपको अजीब लगेगा, तो वैसे ये फ्यूचर में और इनको जब रियल किताब मिली तो ये ऑफुल लग रहा है इनको पढ़ना इसको। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, और जो वर्ड्स थे वो रियल वर्ड्स थे जो कि मूव नहीं कर रहे थे इधर उधर, क्योंकि स्क्रीन में तो ये देखो मूव कर रहा है ना, वो मूव नहीं कर रहे थे। इनको ये अजीब बात लगी, और अजीब सा इसलिए लगा बिकॉज कभी देखा नहीं था उन्होंने। इंस्टेड इनको कैसा मूव करना चाहिए, इनको तो मूव करना चाहिए जैसे स्क्रीन पे मूव करते हैं, यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जैसे वो पिछले वाले पेज पे गए वो वर्ड वहीं पे था जहां पे पहले देखा था उन्होंने फर्स्ट टाइम। मतलब वर्ड्स कहीं गुम नहीं हो रहे, जो जिस पेज पे था वो उस पेज पे अभी भी लिखा ही हुआ है, तो ये नोटिस कर रहे हैं उस किताब में। गी, ये चिल्लाती है गी करके, सेड टू मी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो ये कहती है, मतलब टॉमी कहता है, गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो मैं इसे नहीं फेंकने वाला, ठीक है, हमारी टीवी में हो सकते हैं बहुत सारी किताब हूं लेकिन ये मैं नहीं फेंकने वाला, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा, ये यहाँ पे कहते हैं। चलो नेक्स्ट है सेम विद माइन, वो कहती है हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है, मार्गी कहती है किताब को देख के, शी वॉज 11 एंड हैडन सीन एज मेनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो मार्गी छोटी थी और एक्सपीरियंस के मामले में भी कम थी, बिकॉज टेलीबुक्स अगर पढ़ने की बात है टॉमी ने बहुत सारे पढ़ रखे थे बट इन्होंने कम पढ़े थे। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, कहाँ मिला तुम्हें ये, इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। देखो अब एटिक होता है आपके घर का कोना, समझ लो स्टोर रूम टाइप में, तो वो बिना इधर उधर देखे जवाब देता है कि मुझे तो ये एटिक में मिली, अपने घर में एक स्टोर रूम में मिला ये मुझे पुरानी किताब, बिना इधर उधर देखे, बिकॉज वो काफी बिजी था उस किताब को पढ़ने में। व्हाट इज इट अबाउट, स्कूल, तो वो कहता है कि स्कूल के बारे में ये किताब। पहले मार्गी पूछती किस बारे में, तो ये कहता है स्कूल के बारे में है। मार्गी कहते हैं स्कूल, स्कॉर्नफुल मतलब होता है एक डिस्टेस्टफुल तरीके से, मतलब छी छी वाले तरीके से, छी स्कूल के बारे में है, अच्छा व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना, मैं तो मुझे नफरत है स्कूलों से। अब ये मार्गी इसलिए कहते कि इसका स्कूल है ना अजीब है, ना दोस्त है, घर पे बैठे ही स्कूल उसका चलता है, क्लासरूम है वहीं पे, कंप्यूटर पढ़ा रहा होता है, इसीलिए इसको नफरत करती है। अब मार्गी को जब पता चलेगा, देखना अभी अब हम पढ़ेंगे स्टोरी में, जब पता चलेगा कि रियल स्कूल कैसे हुआ करते थे पुराने टाइम पे, तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैंड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब ये जो थी मार्गी, ये परेशान थी अपने स्कूल से, अपने टीचर से, जो कि एक मैकेनिकल टीचर था, एक रोबोट था, वो टेस्ट पे टेस्ट दिया जाता था ज्योग्राफी के, और इसको बहुत खराब लगता था, किसको, मार्गी को। अब इसका कारण पता चलेगा कि मार्गी क्यों खराब परफॉर्म कर रही थी, और इसकी मम्मी क्यों जो है, इसकी मम्मी इसलिए जो है निराश थी बिकॉज इनके मार्क्स पुअर आ रहे थे बार बार मार्गी के। चलो तो अब काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा जाता है प्रॉब्लम चेक करने के लिए, तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि एक छोटा सा आदमी था, ये रेड फेस था जिनका, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, टूल्स थे, डायल्स थे, वायर्स थे इनके पास। ऐसा आदमी जो आया इनके घर पे, ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसको वो हंसता है मार्गी पे और उसको एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, टीचर को बाहर निकालता है वहां से, मैकेनिकल टीचर जो रोबोट था। मार्गी हैड होप दैट ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को नहीं पता था कैसे इसको वापस रखना है, बट ही न्यू ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन। बट उसको ये पता लगा, अरे एक डेढ़ घंटे बाद तो उसको फिर वहीं रख दिया जहाँ पे रखना था, जैसे ये रहा उसका कह लो जहाँ पे स्क्रीन वगैरह, तो इसको ठीक करके फिर उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने वहीं रख दिया। अब ये गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, क्यों, क्योंकि इसको लगा था कि एक डेढ़ महीना के लिए इसको ले जाए इस टीचर को, मुझे नहीं पढ़ना इससे, ठीक है। और एक मिनट, हम ज्यादा आगे लगता है, हाँ, सो इट वॉज अगेन, ठीक है। और वहां पे दोबारा था ये लार्ज एंड बल्कि, ब्लैक एंड अगली, बहुत बड़ा सा, अगली सा, ठीक है,
और इसको बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, वो जो कंप्यूटर जो टीचर था उसका कंप्यूटर, उसको बिल्कुल नहीं पसंद था मार्की को. दैट वाजंट सो बैड. द पार्ट मार्की हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. मार्की को सबसे खराब लगता था कि भैया टेस्ट पेपर डालो और वो भी उसी के लैंग्वेज में डालो. मतलब शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन द पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड. अब डालो तो डालो, अब उसकी लैंग्वेज में डालो ताकि वो समझ पाए, नहीं समझेगा तो फिर चेक ही नहीं करेगा आपका टेस्ट. तो ये खराब लगता था उसको. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और वो तुरंत मार्क्स कैलकुलेट कर देता था मैकेनिकल टीचर जो रोबोट था इनका. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटर्न मार्की सेड. अब वो जो है मार्की को थपथपाते हुए कहते हैं कि मतलब थपथपाते हैं और जब उनका काम खत्म हो जाता है ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. ये लड़की की गलती नहीं है मिसेस जोन्स. तो इनकी मम्मी का नाम मिसेस जोन्स है, याद कर लीजिएगा. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. यानी कि जो ज्योग्राफी का जो लेसन डले थे इस बुक में, इसमें सॉरी इस रोबोट में, वो थोड़े से फास्ट हो गए थे, जो कि इसके लिए सही नहीं है. 10 ईयर लेवल के हिसाब से अब मैंने सेट कर दिया है, पहले थोड़ा सा फास्ट हो गए थे, इसके कारण से ये पुअर परफॉर्म कर रही थी. कौन? मार्की. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है मार्की, ऐसी बात नहीं है कि ये खराब परफॉर्मेंस कर रही है. एक्चुअली प्रॉब्लम उस कंप्यूटर में ही थी, उस मैकेनिकल टीचर में ही थी, बिकॉज ज्योग्राफी के लेसन थोड़े से फास्ट हो गए थे. मार्की वॉज डिसअपॉइंटेड, वो गुस्सा थी, नाराज थी, मायूस थी, क्योंकि इसको लगा था दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. तो उसको लगा कि जैसे टॉमी के टीचर एक बार जो है गायब हो गए थे, गायब मतलब कम्प्लीटली, जैसे सॉफ्टवेयर उड़ जाता था आपका पीसी चालू नहीं होता, तो वैसे हिस्ट्री का सेक्टर जो है कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था और टॉमी के टीचर को ले जाया गया था एक डेढ़ महीना के लिए. तो वैसा ही यहाँ पे सोचती है मार्गी कि मेरे टीचर को भी ले जाए, मैं तो खुश हो जाऊंगी, बट ऐसा होता नहीं है. सो शी सेड टू टॉमी वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. इसीलिए वो पूछती है टॉमी से, ये पीछे की थोड़ी सी पास्ट की स्टोरी बता दी आपको कि नफरत क्यों करती है स्कूल से. अब टॉमी कह रहा है स्कूल के बारे में, इसीलिए कहती है छी स्कूल के बारे में, छी छी कौन पढ़ता है स्कूल के बारे में. चलो नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट, यानी कि सिक्स्थ पैराग्राफ. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो. ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरीज अगो. मतलब ये कहता है ये ऐसा स्कूल नहीं है नालायक बुद्धू, वो वाला स्कूल था जहाँ पे लोग आया करते थे, एक टीचर हुआ करता था, एक असली टीचर हुआ करता था. मार्जी वॉजर्ट कहती है वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो. कैसा स्कूल था बताओ मुझे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. छोड़ो इसे, उनके पास एक टीचर था, वैसे वाली स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. और वो जो टीचर था दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन. और जो टीचर था वो एक आदमी था, रियल आदमी. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. तो वो आदमी कोई और नहीं था, मतलब वो कोई टीचर नहीं था नॉर्मल, ऐसा हमारे घर में जैसे रोबोट डाल रखा है, वो एक आदमी था. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो कहता है एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है. तो कहता है कि देखो बात ऐसी है कि बॉयज को गर्ल्स को क्वेश्चन देता था, होमवर्क देता था, पूछता भी था. कहता है मैन इस isn't smart enough. एक आदमी जो है इतना स्मार्ट थोड़ी हो सकता है. Sure he is. My father knows as much as my teacher. वो कहता है कि अभी ये मार्की कहती है कि एक आदमी थोड़ी इतना स्मार्ट हो सकता है, कंप्यूटर होते हैं स्मार्ट तो. बट उसने कहा नहीं, मेरे पिताजी भी उतने ही स्मार्ट है जितना कि मेरा टीचर. He knows. तो ये कहता है कि he knows almost as much. आई बेचा मतलब आई बेट है इसका मतलब वैसे इनफॉर्मल सेंस में कह दिया. तो मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी को जितना आता है, मतलब मेरे रोबोट को जितना आता है उतना मेरे पिताजी को भी आता है. ये कौन कहता है? आपका टॉमी, ठीक है. मार्की को बता रहा है क्योंकि मार्की चैलेंज करती है कि ऐसा थोड़ी होता है आदमी ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है. मार्की वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट. मार्की तैयार नहीं थी, भैया उसको पॉइंट मिल गया, ठीक है. शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी. तो एक आदमी मेरे घर में, एक आदमी क्यों आएगा पढ़ाने मुझे. टॉमी हंसते हुए कहता है, चिल्लाते हुए हंसते हुए, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. वो घर पे नहीं रहता था हमारे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. यानी कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ हम, जिसे हम नॉर्मली आज के टर्म्स में तो हम स्कूल ही कहेंगे इसको, स्कूल हुआ करती थी. वहाँ टीचर भी आते थे, वहाँ किड्स भी आते थे, वो पढ़ते थे, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. सभी बच्चे एक जैसा समझते थे, पढ़ते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर एक सेम एज के हो तो. But my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. But मेरी माता तो ये मार्गी कहती है कि मेरी माँ तो ये कहती है, मेरी मदर, कि भैया सबका एक अलग पेस होता है, सबकी एक अलग रफ्तार होती है, उस हिसाब से सबको पढ़ाना चाहिए इंडिविजुअली. तो ऐसा कैसे कि सबको एक साथ बिठा दिया, सबको एक साथ समझ आ रहा है और समझाया जा रहा है टीचर के द्वारा, ये कैसा स्कूल था.
just the same, they didn't do it. That when they weigh them, if you don't like it, you don't have to read the book. Carry, तुम्हें अगर नहीं पसंद, नहीं पढ़ना, तो भागो यहाँ से, मतलब छोड़ दो, मत पढ़ो इस बुक के बारे में. I didn't say I didn't like it. मार्की कहती है, ऐसा नहीं कहा मैंने टॉमी. ये टॉमी कहता है, because ये उल्टी सीधे सवाल पूछती है, तो टॉमी कहता है कि भैया छोड़ दो, तुम्हें अगर नहीं पसंद आ रहा तो ये सब. मार्की कहती है, मैंने ऐसे कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है. मार्की said quickly she wanted to read about those funny schools. वो पढ़ना चाहती इन funny schools के बारे में. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie's school. तो आधा भी नहीं पढ़ा होता इन्होंने इस किताब को जब मार्गी की मदर कहती है कि स्कूल का टाइम हो चुका है, रेडी हो जाओ. मार्गी लुक्ड अप, मार्गी उधर उधर देखती है एंड कहती है, नॉट येट मामा, अभी नहीं हुआ है. नाउ सेड मिसेस जोन्स, कहती है आ जाओ, हो गया है. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और प्रोबेबली टॉमी के लिए भी टाइम हो चुका है, उसको भी कह दो जाए अपना स्कूल. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक फॉर सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. कहती है कि मैं स्कूल के बाद थोड़ा और पढ़ सकती हूँ इस किताब को. उसने कहा शायद हाँ, मे बी यस. He said non-talently, मतलब ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, ज़्यादा बातों को वैल्यू ना देते हुए, he walked away, सीटी बजाते हुए इधर उधर चला गया. वो dusty old book tucked beneath his arm. Tuck मतलब होता है फंसा लेना, तो अपने अपने जो जिसे हम कहते हैं ना ये आर्म, जैसे हमारा एक आर्म है, ये हमारी बॉडी है, तो ये हमारा जैसे मान लो हाथ है, यहाँ पे किताब फंसा ली इसने, ठीक है, यहाँ पे किताब फंसा ली और वहाँ पे से वहाँ से निकल गया. It was always on at that same time every day except Saturday and Sunday. तो हमेशा इनकी क्लास जो चालू ही रहती थी सैटरडे और संडे छोड़ के, और इस टाइप से बैठ के पढ़ना होता था. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. तो इनकी माता जी का कहना था कि भैया जो रेगुलर पढ़ता है एक रेगुलर फिक्स टाइम में, उसको ज़्यादा समझ आता है, वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगी, फोकस कर पाएगी चीज़ों पर. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट योर स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. या मशीन जैसी खुला, उसने कहा भैया होमवर्क दो और आज हम ये सीखेंगे, लो लो ये सब लो. अभी ये सारी चीजें यहाँ पे बात करी जा रही है. चलो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब ये मशीन कह रहा है एक रोबोटिक टोन में, आप समझ जाओ, टुडेस अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ, इस टाइप से, मतलब एक रोबोटिक टोन. तो ये मार्गी को पसंद नहीं था. मार्गी डिड सो विद अ साई, गहरी सांस लेती है और कहती है ठीक है. फिर करते करते वो सोचते अरे यार उनका स्कूल तो बढ़िया था, एक टीचर था, चेक भी करता था, सभी बच्चों को एक जैसा होमवर्क देता था. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, मतलब अब ये करते करते वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोचने लगती है. दे हैड व्हेन आवर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, मतलब जब उनके दादाजी के दादाजी बहुत छोटे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. सारे बच्चे आते थे स्कूल यार्ड में, हंसते थे, खेलते थे, एक साथ बैठते थे, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, एक साथ बैठते थे, घर भी एक साथ जाते थे, होमवर्क भी एक जैसा करते थे. तो उन दिनों को याद करने लगी. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. वो उन दिनों को भी याद करती है जब एक साथ सीखते थे और होमवर्क में भी एक दूसरे की हेल्प करते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो कोई और नहीं, खुद पीपल थे, मतलब लोग थे, रोबोटिक टीचर नहीं थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और वो मैकेनिकल टीचर इसी बीच में जो है सम्स देना स्टार्ट कर देता है अर्थमेटिक का हाफ, एंड कहता है 1/4 को जोड़ के दिखाओ. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. अब वो सोचती है इसी को देखते हुए कि भैया पुराने टाइम पे तो बच्चे अच्छे से देखते होंगे, समझते होंगे इन चीज़ों को. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और इसी बीच वो सोचने लगती है कि जो उन्होंने मजे किए थे वो बहुत अच्छे रहे होंगे. ठीक है, इसे कैसिमो के द्वारा लिखी गई है दोस्तों. अब मैं आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की बात बताता हूँ आपको, और आप भी कीजिएगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. अब यहाँ पे लाइन टू लाइन पढ़ लिया हमने, जिसको यहाँ पे भी स्किप करनी है वीडियो देखेंगे. ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ. देखो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में क्या है कि एक चीज़ यहाँ पे निकल के आ सकती है, एज अ लिटरेचर स्टूडेंट इज माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई टेल यू दिस. देखो होता क्या है, आदमी ना कहीं पर खुश नहीं होता. अब यहाँ पे क्या है, हम जब आज की बात करते हैं तो कहते हैं 30 या फिर 40 पे एक टीचर हमारी क्लास में. ठीक है, हम कहते हैं कि भैया फोकस थोड़ी दे पा रहा है एक टीचर सारे बच्चों पे, कहाँ दे पा रहा है सभी बच्चों पे एक जैसा फोकस, कोई छूट जाता है, कोई बच जाता है. तो हमने कहा भैया इंडिविजुअल टीचिंग करवाओ. अब इंडिविजुअल टीचिंग में ऐसा हो जा रहा है कि बच्चा सोशली बहुत वीक हो जाता है, पुअर हो जाता है, अपने दोस्तों से नहीं बात कर पाता. अब देखो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकली देखोगे तो. यहाँ पे कम से कम पढ़ता था, दोस्तों से बातचीत करना सीखता था, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करना सीखता था, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है इसका. बट यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा. क्यों? घर पे बैठा हुआ है, मम्मी है, पापा है बस, और उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन, एक दो दोस्त हैं आसपास के. वो माहौल नहीं मिल रहा जो इसको क्लासरूम में मिलना चाहिए था. तो इंसान जो है हर चीज़ में उसको तकलीफ होती है, चाहे वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाए तब भी, और जब कुछ ना हो तब भी. फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख सकते हो कि यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह दे आर क्वाइट यू नो पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट. And you can see the adverse effect of these, you know, online platforms. बहुत दिनों बाद दिखेंगे बट पक्का दिखेंगे आपको इनके एडवर्स इफेक्ट. ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अभी की जनरेशन की बात करें हम 2023 की, तो हम कुक्स से जो बहुत ज़्यादा पीछे भागने लगे हैं. ठीक है,
हमें सारी चीज चाहिए कि शॉर्ट में हमको कोई समझा दे, यूट्यूब वीडियो शॉर्ट वगैरह वैसी वैसी चीजें। तो हम चाहते हैं कि बुक्स ना पढ़ें, ठीक है, और ये आदत हमारी छूटती जा रही है, बट ऑब्वियस सी बात है कोशिश करो बुक्स पढ़ने की, ठीक है। तो ये कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के दो पॉइंट्स में बताना चाहता था आपको कि एक तो जो आपकी ग्रीड है आगे बढ़ने की वो तो हम फुलफिल करते जा रहे हैं, बट सेटिस्फेक्शन ग्रीड के साथ नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन आ नहीं रही तो ग्रीड और बढ़ता जा रहा है। तो नेक्स्ट लेवल की ग्रीड पे पहुंचते हो, फिर सेटिस्फेक्शन नहीं आता, फिर नेक्स्ट लेवल की ग्रीड पे पहुंचते हो। सही है नहीं है एक डिफरेंट मैटर है, बट नुकसान हो रहा है कि अल्टीमेटली गेन हो रहा है, ये एक सवाल छोड़ के मैं जाता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इस टाइप की जो ग्रीड हम ला रहे हैं या फिर हम इस टाइप का सोचते हैं कि इंडिविजुअल अटेंशन मिलना चाहिए, फिर बाकी जो पॉइंट्स छूट जाते हैं बच्चे के लिए, वो आपको कैसा लगता है, इसके बारे में सोचिएगा थोड़ा सा। और कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं इस वीडियो को यहाँ पे जो है एंड करना चाहूंगा, और ऑथर का नेम याद कर लीजिएगा, इससे कैसी मूव है, ठीक है। चलिए, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आई बिलीव इन नॉलेज शेयरिंग एंड केयरिंग। तो नॉलेज शेयर कीजिएगा, बिकॉज नॉलेज शेयर करने से आपकी भी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। चलो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।